तो थोड़ी सी सब्र हमारे पास से खत्म हो गया। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से एक सच्चा वाक्य आपको अकबर बादशाह के दौर के बता दे, तानसेन जी की वजह से तो उसके उनके उस्ताद अमर हो गए। अगर तानसेन जी नहीं गाते तो स्वामी हरिदास जी अमर नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने म्यूजिक सब कुछ बनाया लेकिन उन्होंने अपने तक ही सीमित रख दिया था। वो बाहर नहीं निकले थे, अपनी कुटीर में गाते थे, भगवान के लिए गाते थे, एंड इट्स ओके। तानसेन जी की वजह से शिष्य भी अमर हो गया, गुरु भी अमर हो गए, लेकिन उनकी मात भाषा क्या, तो उनकी ऐसी कुछ बातें हो जाती थी हमेशा, रोज उन्हें कुछ ना कुछ प्रूफ करना रहता था। तो जिस तरीके से एक सच्चा वाक्य ये है कि भाई दो खास साहब थे उस जमाने में, चांद खास साहब और उस्मान खास साहब, उन्होंने महफिल में जाकर ललकारा था अकबर बादशाह को कि आपने नौ रत्न में तानसेन जी को रख रखा है, हमें रखिए, हम उस्ताद हैं। तो उस जमाने में एक बात बहुत अच्छी थी कि महफिल में सामने सारे काम सामने होते थे, पीछे नहीं होती थी। तो एग्जाम दिलाया गया दोनों का, मतलब बैठे तो सूरज खान साहब जो शाम को 7 बजे बैठे तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक गा दिए, सारे राग गा दिए। जब वो 10 के बाद बैठे तो उन्होंने दूसरे दिन रात के 2 बजा दिए। अब ये दोनों भाई ईगो में खड़े हो गए कि अब कुछ राग बचा ही नहीं तो ये क्या गाएंगे तानसेन जी। जब तानसेन जी बैठे तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में अपने उसमें लिखा हुआ वाकत कि जब मैं तानपुरा लेके बैठा हूँ तो तानपुरे के अंदर सिर्फ मेरे उस्ताद थे और मैं था, बाकी क्या गाऊंगा ये मुझे पता नहीं। और उन्होंने बैठने के बाद गाया और गाने के बाद अपने आप राग बनता चला गया और वो राग बना। और जब उन्होंने 3 घंटे गाने के बाद तानपुरा नीचे रखा तो दोनों भाई खड़े हो गए, सबसे पहले तो चांद खास साहब और उस्मान खास साहब कि ये क्या गाया आपने, ये कौन सा राग। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या गाया क्या राग। तो उन्होंने कह दिया कि ये राग दरबारी। अब ये बताएं राग राग बनता कैसे है। राग बनता है, राग कोई भी बना सकता है। तो वो फीलिंग्स देखी जाती है कि भाई हम किस पे चाह रहे हैं। तो एक मतलब हमारे राग बनाने के 4 हमारे 5 वो होते हैं उसूल के, भाई कम से कम तो भी मिनिमम 5 नोट होने चाहिए, आरो अवरो होनी चाहिए उसकी, और फिर एक नोट वादी कहते हैं हम उस पर जिसपे राग का मुख्य नोट होता है वो वादी होना चाहिए, और फिर सेकेंड नोट जिसे हम संवादी कहते हैं वो होना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा हमारी तवज्जो इस बात पर ज़रूर होनी चाहिए कि भाई कोई उससे मिलता जुलता दूसरा राग नहीं हो। अगर वही नोट्स पे जैसे हर नोट्स पे 6-6 राग हैं तो हम उसका फिर भी कुछ ना कुछ फेस अलग देते हैं कि नोट्स वो होने के बावजूद भी वादी संवादी दूसरा होता है। तो वादी संवादी बदल जाने से राग दूसरा बदल जाता है, उसकी वाइब्स बदल जाती है। तो राग तो पंडित रविशंकर जी ने भी कई बनाए हैं, अमजद अली खान साहब ने अभी रवि वो बनाया था, राजीव श्री। तो मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी इस बारे में कि खान साहब मैं कुछ तवज्जो चाहता हूँ राजीव श्री पे, तो उन्होंने दिक्कत नहीं किया। आप ऐसा कोई राग थोड़ा गाएं जो दर्द को तोड़ता हो। नहीं, दर्द की टूपी तो हमारे पास दरबारी से ज्यादा कोई नहीं होता। कौन सा वाली? दरबारी। दरबारी गा के और खड़े होकर कही, और इसीलिए उस राग को हमारे यहाँ रागों का शहंशाह कहा जाता है। और आज के बारे में इतना बड़ा दुख है कि जितने भी हमारे 50 प्लेबैक सिंगरों में फिल्म लाइन की दुनिया के हमारे टॉप है, कोई भी 5 मिनट दरबारी नहीं गा सकता। उसका जो इतना मतलब डिफिकल्ट फेस रख दिया है, मालकोस का जिक्र किया है मैंने, पैरालिसिस मालकोस से ठीक किया है। तो वो अगर हम वो रात को 10 बजे से 10:30 के बीच नहीं गाएंगे, 10 के बाद ही 11, 11:30 तक, तो उसका मालकोस का असर नहीं होगा। अगर ये इस वक्त में मालकोस गाऊंगा तो उसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा। अगर टोड़ी इस वक्त मैं शुरू करता हूँ 12:15 बजे तो वो वाइफ ब्लड प्रेशर की नहीं आएंगी बिल्कुल। तो उसके मुख्य मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ दी है मतलब राग के हमें समय के अनुसार गाना। तो मतलब जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग इस पे ये सबक सिखाया गया ना कि अगर सुबह 8 बजे आपको उठते के साथ, शायद आपको पता नहीं लेकिन मुझे कहा जाए आप आके बड़े प्यार से कि भाई चलिए बिरयानी खा लीजिए, कौरमा आया है जल्दी से दिल्ली का, मतलब दिल्ली की नहारी 8 बजे सुबह खा लीजिए, तो या रात को नींद में से उठा के आपको 2 बजे कहा जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई चीज़ असर नहीं करती वाकई। तो इसका उदाहरण मुझे मेरे वालिद साहब ने मतलब बताया कि भाई भीमसेन जोशी एक ऐसी शख्सियत थी हिंदुस्तान में कि जो बेसमय पर राग गाते थे, उससे पहले ऐसा नहीं था। भीमसेन जी ने टोड़ी गाना शुरू किया बम्बई में, और दोपहर में 2 बजे टोड़ी गाते थे, शाम को 4 बजे टोड़ी गाते थे, शाम को 7 बजे टोड़ी गाते थे। तो अब सब भीमसेन जोशी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका राज जो उन्होंने किया उन्होंने उसी पे किया।
जैसे इस चीज़ पे से एक लगी हुई, मैं एक बहुत आपको खास बात बता दूं, क्या भीमसेन जी ने जब मतलब सवाई गंधर्वा जी के शिष्य थे, और सवाई गंधर्वा जी जो थे अब्दुल करीम खास साहब के शिष्य थे, ये किराना घराना इस तरीके से, तो भीमसेन जी मतलब जब उस्ताद उनके गुजर गए तो इन्हें सिर्फ 6 ही राग थे इनके पास, तो इन्हें रागों की ज़रूरत थी, तो ये पहले तो मुश्ताक हुसैन खान साहब के पास गए वहाँ पे रामपुर, क्या खान साहब मुझे सिखाइए, फिर अमान अली खान साहब के पास भी गए, अबीर खान साहब के पास भी गए कभी मुझे सिखाइए, तो किसी ने इन्हें सिखाया नहीं, किसी ने इन्हें शागिर्द नहीं बनाया, तो उसके पीछे मुझे मेरे ग्रैंडफादर से जब मैंने बात करी कि भाई क्यों नहीं सिखाया, तो वो कलाकार से नहीं प्यार करते थे, वो शिष्य से नहीं प्यार करते थे, वो गाने से प्यार करते थे बुजुर्ग, क्योंकि सब ने जो वो बताया तो सब ने ये कह दिया कि बेटा तुम हमारी गायकी नहीं गा सकते अब, क्योंकि तुम किराने में डेवलप हो चुके हो, तो जब तुम किराना डेवलप कर चुके हो तो तुम दूसरी घराने की गायकी नहीं गा सकते, इसलिए नहीं लेते थे। सब ने यही कहा कि भाई आप अपने आप को इसी 6 रागों को आगे बढ़ाओ और रियाज और ज़्यादा करो, तुम बहुत अच्छा डेवलप हो चुके हो, तुम आगे, और उन्होंने फिर हमारे दादाजी ने उन्हें एक राय दी कि तुम अपनी वाइफ को मेरे पास सीखने के लिए भेज दो। मेरे दादाजी भी बहुत पुणे का बहुत बड़ा नाम था, बहुत ज़्यादा जोशना भोले और डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जी के स्टूडेंट, तो उन्होंने तो फिर मैंने पूछा कि आपने वसंतराव इनको क्यों नहीं सिखाया, भीमसेन जी को क्यों नहीं सिखाया, उनकी वाइफ को क्यों सिखाया, तो बोले वाइफ को हमने इसलिए सिखाया कि उन्हें ज़रूरत थी रागों की, उन्हें ज़रूरत थी बंदिशों की, तो हमने उनकी वाइफ को सिखाया, क्योंकि वाइफ का गला तैयार नहीं था, अब उसने सीख के, और वो जब घर में जाके गाती थी तो भीमसेन जी उनसे राग सही कर लेते थे, और वो, और अगर वो इतने सीखे हुए थे, अगर वो, तो मैंने अपने दादाजी से इस पर सवाल किया तो आपने डायरेक्ट क्यों नहीं भीमसेन जी को सिखाया, तो बोले हम डायरेक्ट भीमसेन जी को क्यों नहीं सिखा सकते थे कि जब हमारी गायकी वो सुनता तो हमारी गायकी फॉलो करने लग जाता, क्योंकि सीखा हुआ इंसान जल्दी गायकी फॉलो करता है, ना सीखा हुआ इंसान मेरा सिर्फ राग फॉलो कर रहा है, मेरी गायकी को फॉलो नहीं कर रहा। गायकी और राग में क्या फर्क है? राग ही होगा कि राग तो कोई भी गाएगा, लेकिन गायकी हमारे 4 घराने की सबकी अलग होती है, जिसे हम मतलब वर्ड्स में कहें तो लहजा, कभी जो हमारे लहजा बात करने का तरीका होता है, कि गजल हर किसी की क्यों नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आपकी जबान पहले साफ नहीं है, क्लासिकल के साथ साथ उतनी ही मतलब अलग तरीके से एक मतलब पोषण है बाकायदा हमारा लाइट म्यूजिक का, ठुमरी दादरा के बाद अगर कोई चीज़ मतलब डिफ़िकल्ट है तो गज़ल पे आती है, तो गज़ल के लिए लेकिन हमें ज़बान पहले साफ़ होना, अब जिस तरीके से क्लासिकल के लिए सबक ये होता है कि भाई क्लासिकल का आपका मुख्य जो चीज़ है वो राग है, राग आप सही तरीके से पेश कीजिए, गज़ल के अंदर मुख्य चीज़ है आपकी पोइट्री, और उस पर फिर आप राग दिखाइए, तो दो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो गई, राग आप सिर्फ राग दिखा रहे हैं तो आप आराम से दिखा सकते हैं, अब आपको गायकी के साथ में पोएट्री के साथ में दरबारी कायम रखनी है, तो बहुत करे जी ये करे, तो यही चीज़ मतलब आप गजल आप गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, लेकिन यही दो लोगों की फरीदा खानम जी की और इनकी क्यों गजल मतलब हमारे यहाँ पसंद की जाती है, वो हिंदुस्तान भर में वहाँ वजह ये हो जाती है कि उनके क्लासिकल पे इतनी ज़्यादा पकड़ है कि वो जब भी कोई गजल गाते हैं तो उनका चेहरा खड़ा हुआ दिखाई देता है कि कौन से राग पे गा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी जो भी सॉरी 4-6 गजल सिंगर थे उनका राग नहीं दिखाई देता, जैसे कि एक और वर्ल्ड फेमस नाम ले ही दूं मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसे तलत हफीज़ जी भी 30 साल से गजल गा रहे हैं, पहली ही तकदीर ने इतनी अच्छी उमराव जान जैसी फिल्म दे दी थी और उसकी दोनों गजलें आज तक उनकी हर महफिल में गाई जाती हैं, लेकिन उन्हें मैं समझता हूँ 99% उन्हें उसका राग का पता नहीं, जब भी वो गाते हैं वो सीधी सीधी गा लेते हैं, राग का चेहरा ही नहीं दिखता, और गुलाम अली जी जब गजल शुरू करते हैं या मेहंदी हसन खान साहब जब गजल शुरू करते हैं या फरीदा खानम जब गजल शुरू करती हैं तो वो गजल के साथ साथ बिल्कुल दोनों हाथ एक साथ दिखाई देते हैं कि ये आपकी पोएट्री है और ये आपका राग है, और जब ये दोनों हाथ मिलते हैं तो लाइट म्यूजिक की नमस्ते होती है, जैसे कि मैं 80 से पहले के म्यूजिक डायरेक्टर को कह दूँ कि भाई बॉलीवुड का म्यूजिक आज क्यों नहीं लोगों को अच्छा लगता, आज जब तक सुनते हैं आप चैनल पर जब तक वो चैनल पर दिखाई दे रहा है, जहाँ वो चैनल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो गाना बंद होता है आपको गाना याद नहीं रहता, किसी भी बच्चे से कह दीजिए जरूर अभी जल्दी से कोई अलका याग्निक का गाना बताओ, आप 50 लता जी के गाने बता देंगे, तो ये वजहें हैं क्योंकि वो सारे इतने वो शिद्दत से रियाज करा करती थी, रेसलों में बैठा करते थे कि वो गाने का साथ साथ वो राग को गले से डेवलप कर देते थे, और गाना बोले तो चाहे आप किसी भी चीज़ में गा रहे हो, ये तो हमारे पास चैप्टर 2 हो गया कि भाई गजल भजन फिल्मी गाना ये पोइट्री हुई नहीं, पोइट्री तो मेन चीज़ 2 चीज़ पे आ रही है, पहली चीज़ वही हो रही है सुर।